तो गाइस अगर आप एक यूट्यूबर हो तो फिर यार आपको वीडियो क्वालिटी का जो इम्पोर्टेंस है वो तो पता ही होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी वीडियो को शूट करते हैं उस वक्त हमारी वीडियो की क्वालिटी बहुत बढ़िया रहती है, जब हम एडिटिंग करते हैं तब भी अच्छी रहती है, बट यूट्यूब पर जब हम अपलोड करते हैं तो फिर क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। क्या है इसके पीछे का रीज़न, हम आपको बताते हैं। देखिए गाइज, जब यूट्यूब पर आप वीडियो अपलोड करते हैं तो वीडियो जो होती है आपकी वो यूट्यूब कॉम्प्रेस कर देता है, यानी कि अगर आप वीडियो को अपलोड कर रहे हो आपकी वीडियो की क्वालिटी हाई रहती है तो MB ज़्यादा आप अपलोड करते वक्त आपको MB भी ज़्यादा लगता है, तो उस वक्त यूट्यूब आपकी वीडियो की जो क्वालिटी होती है उसको कॉम्प्रेस कर देता है, ताकि लोग जब आपकी वीडियो को ऑनलाइन सर्व करें तब उनको कम डेटा का यूज करना पड़े। क्योंकि जब आप भी अगर यूट्यूब पर ऑनलाइन वीडियो सर्व करते हो तो आपको भी कम डेटा का यूज देखने को मिलता है, तो इस वजह से आपकी क्वालिटी डिक्रीज होती है। अब हम बात करें कि इस क्वालिटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। गाइज, मैं कुछ टिप्स आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, जिस टिप्स को आप यूज करके आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हो। तो फिर यहीं पर करते हैं हम अपनी वीडियो को शुरू। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करें कि क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करें। तो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप सबसे पहले वीडियो को शूट करते हैं एंड उसके बाद एडिट करते हैं और फिर अपलोड करते हैं। तो शूट करते वक्त आपको ध्यान रखनी है कि आप जो सेटिंग्स हैं उसको अच्छे से अप्लाई करें। 90% यूट्यूबर्स ओपन कैमरा का ही यूज़ करते हैं, जो लोग मोबाइल से शूट करते हैं उन लोग ओपन कैमरा का ही यूज़ करते हैं, एंड ओपन कैमरा में जब शूट करते हैं तो वो क्वालिटी को बहुत हाई कर देते हैं, शूटिंग वीडियो की जो क्वालिटी होती है उसको वो काफ़ी हाई कर देते हैं। तो उस वक्त आपको ध्यान रखना है। अब कैसे आप ध्यान रखोगे, सिंपल आपको अपनी कैमरे की कैपेबिलिटी को चेक करनी पड़ेगी कि आपकी कैमरा जो है वो कितना FPS कितना फ्रेम पर सेकेंड तक आपकी वीडियो को शूट कर सकता है। अब इसको कैसे चेक करते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे वेबसाइट का ब्लॉगिंग का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आपको मैंने एक आर्टिकल के माध्यम से शुद्ध हिंदी में आपके आसान भाषा में समझाया है कि आप अपने मोबाइल की कैपेबिलिटी को कैसे चेक कर सकते हो, कैमरे की कैपेबिलिटी को। तो जाइए और उस आर्टिकल को अच्छे से पढ़िए आराम से और फिर कैपेबिलिटी को चेक कर लीजिए। अब कैपेबिलिटी को आप चेक भी कर लिए, अब क्या करना, अब आपको ओपन कैमरा की सेटिंग में अगर जो भी आपकी कैपेबिलिटी है कैमरे की, यानी कि अगर आपका कैमरा 30 फ्रेम पर सेकेंड यानी 30 FPS तक वीडियो को शूट कर सकता है, तो आपको ओपन कैमरा में भी 30 FPS ही इनेबल करना है। उसके बाद आपका जो भी मेगापिक्सल है उसके हिसाब से आपको भी ओपन कैमरा का सेटिंग को ऑन करना है कि आपका शूटिंग जो है वो कितना अल्ट्रा HD 4K, वो सारी चीजें आपको अपनी कैमरा की मुताबिक कर लेना है। उसके बाद बीट रेट की बात करें तो बीट रेट आपको 15 रखना है, और चाहो तो उससे ज्यादा भी रख सकते हो। आप जितना बीट रेट को इंक्रीज करोगे उतना ही आपकी जो स्टोरेज है वो बढ़ती जाएगी उस क्वालिटी के रिगार्डिंग, उस वीडियो के रिगार्डिंग। ये सारी सेटिंग कर ली, वीडियो शूट कर लो, अब आते हैं एडिटिंग पार्ट पर। गाइस, जब आप एडिटिंग करते हो तो उस वक्त भी आपकी क्वालिटी अच्छी रहती है, बट एक्सपोर्ट करते वक्त आपको कुछ सेटिंग का अगेन ध्यान रखना पड़ेगा। अब वो कौन सी सेटिंग से हम आपको बताते हैं, तो देखिए गाइस, वो सेटिंग अगेन आपको सेट करना पड़ेगा, आपको 30 FPS 15 बीट रेट और 1080 ये चीज़ आपको सेट करनी पड़ेगी और एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। 1080 पिक्सल जो है इसको आपको मिनिमम रखना है, आप चाहो तो हाई रख सकते हो। बीट रेट उसको भी आपको मिनिमम 13-14 यानी कि 15 के अक्रॉस रखना है, और अगर हाई रखना चाहते हो तो रख सकते हो। बट FPS आपका जो कैमरा है का FPS है उसी को सेम एज इट इज़ वही रखना है जिस FPS पर आपने शूट किया है, उसके बाद आपको एक्सपोर्ट कर देना है। दोस्तों, ये सारी सेटिंग्स को जब आप अच्छे से अप्लाई करोगे एंड उसके बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर दोगे, उसके बाद आपको यूट्यूब पर वीडियो को अपलोड कर देना है, एंड अपलोड करने के बाद आप क्वालिटी को देख लेना यार कि आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो बहुत हद तक इंक्रीज हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। दोस्तों, अगर इम्प्रूव हो जाएगी तो एक बार आना इस वीडियो पर, विजिट करना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना कि हाँ भाई आपकी वीडियो बहुत हेल्पफुल रही। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, क्या कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और क्या बोलूँ। और हम यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें शेयर करते हैं, आप तक पहुँचाते हैं, और अगर उन सारी चीज़ों को अगर आप जल्द से जल्द अपने आप तक पहुँचाना चाहते हो तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।